नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं वायरल सच का न्यूज बुलेटिन। आइए सबसे पहले रुक करते हैं गुरुग्राम की खबरों की ओर। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विधायक राकेश दौलताबाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर राकेश दौलताबाद ने सरकारी कर्मचारियों में सबसे अच्छा काम करने वाले कर्मचारी को 25 लाख रुपए का अवार्ड देने की घोषणा की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वह आने वाले समय में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सदन में प्राइवेट कंपनीज की तर्ज पर इंसेंटिव बिल पेश करेंगे। वहीं दूसरी ओर निठल्ले कर्मचारियों की एक लिस्ट तैयार कर सीएम को भेजने का प्लान भी बताया। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते लाखों लोगों पर भोजन तक का संकट पैदा हो गया था। ऐसे समय में गुरुग्राम में अनेक सामाजिक संस्थाओं व समाज सेवी लोगों ने दिल खोल कर काम किया। ऐसी ही एक मिसाल बनी समाज सेविका शिप्रा नरूला ने। करीब 1 लाख लोगों तक घरों, झुग्गियों, बस्तियों में जाकर राशन के पैकेट वितरित किए। इस पुनीत कार्य में बच्चागिरी के संस्थापक सदस्य आशीष व उनकी टीम ने मिलकर साथ दिया। संस्था नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ और आज तक वो आज की जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो हमारी 24,500 तक की फैमिलीज के लिए राशन दिया गया है 1 हफ्ते का। तो ये हमने खुद ही करा है, हमारे वॉलंटियर्स हैं और स्पॉन्सर्स हैं जो मिलके हम लोग ये काम करते हैं बिना किसी संस्था के। मेरा नाम आशीष है और हम शिप्रा मैम के साथ उनके ग्रुप के साथ मिलके काम कर रहे हैं। और मैं और राजेश राणा जी जो कि लॉकडाउन के चलते आफ्टर 26 मार्च से ही शुरू हो गए थे, काफी लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं, पहुंचा चुके हैं और पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो शिप्रा मैम है, उनकी पूरी टीम है, उनके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उनका पूरा ग्रुप है। तो जितना संभव हो सके हमने गुड़गांव से बाहर जाकर भी मदद की है। कुंडली मेवात पूरी तरह से समाज के सहयोग के लिए आगे आ रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर जिसको भी कहीं पे भी जरूरत है किसी भी तरह की, वो हमसे कांटेक्ट करें, हमारी पूरी टीम वहां पे आएगी और उन लोगों तक राशन पहुंचाएगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रमन मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने संगठन में बदलाव करते हुए मनोज तिवारी की जगह अब आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। जहां तो इस मौके पर भाजपा प्रवक्ता ने नए प्रदेश अध्यक्ष को सक्षम कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि वह कामना करते हैं कि जल्द ही दिल्ली 420 के शासन से मुक्त हो। अनलॉक 1.0 में गुरुग्राम के बस अड्डे से पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, पंचकुला, नारनौल, दादरी, भिवानी, झज्जर, हिसार, सिरसा एवं रोहतक के लिए 10 रूटों की बसें शुरू की गई हैं। इन रूटों पर बस में सिर्फ 30 यात्री ही सफर कर सकते हैं, बीच में किसी सवारी को नहीं बिठाया जाएगा। किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है, 1 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया वसूल किया जाएगा और बस में वही यात्री सफर कर सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है। थर्मल स्कैनिंग एवं आईडी चेक करने के बाद ही यात्रियों को बस में प्रवेश मिलेगा। भाजपा जिला सचिव नवीन गोयल व कैनविन के संयोजक डीपी गोयल ने अपनी संस्था के माध्यम से गुरुग्राम वासियों के लिए एक अनूठी पहल की है। इसके तहत अब गुरुग्राम वासियों को अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे बल्कि संस्था द्वारा घर बैठे ही मात्र 3700 रुपए में COVID-19 के टेस्ट की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। गुरुग्राम में लॉकडाउन के दौरान दयानंद कॉलोनी में मोल्ड जिम में व्यायाम कर रहे 15 से 20 व्यक्तियों को पुलिस ने जिम के मालिक समेत गिरफ्तार कर लिया। बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना के कारण उन व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की गई एवं बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। निर्जला एकादशी के अवसर पर श्री राम सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज पाठक ने गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मचारी महिलाओं को सूट वितरित किए। इस मौके पर पंकज पाठक ने कहा कि हमारा देश एक धार्मिक देश है और राष्ट्र सेवा एवं दान पुण्य करके भी देश पर आ रही समस्याओं से बचा जा सकता है। कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल भत्रा व उनके बेटे को कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर स्थानीय लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। इसी बीच बुधवार को यशपाल भत्रा ने स्वयं एक वीडियो अपने फेसबुक पर अपलोड किया जिसमें वह सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद कर रहे हैं एवं उन्होंने कहा है कि
वे जल्द स्वस्थ होकर दुगनी ऊर्जा के साथ समाज सेवा के लिए मैदान में उतरेंगे। नमस्कार मित्रों, दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आप सबको, जो आप लोगों ने मेरे कोरोना संक्रमित होने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप से, टेलीफोन द्वारा या दूसरे सोर्सों से मेरी चिंता जानने की कोशिश की, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और जैसे आपको पता है, मैं और मेरे दोनों बेटे कोरोना संक्रमित हुए हैं, लेकिन मुझे कोरोना संक्रमित होने का दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि जिस तरीके से हम लोग समाज के अंदर सेवा कर रहे थे, उन जरूरतमंद लोगों तक हर चीज पहुंचा रहे थे, और जिस समय समाज को सबसे ज्यादा जरूरत थी हम लोगों की, उस समय मुझे ये कोरोना संक्रमित होने से उसमें कुछ ब्रेक लग गया। और मैंने अपने स्टाफ को भी आज सुबह टेलीफोन करके कहा है कि अपना ऑफिस खोले और प्रॉपर जिस तरीके से हम लोग पहले काम कर रहे थे, उस तरीके से ही प्रॉपर आप लोग काम करें, और जल्दी में आप लोगों के बीच में फिर आऊंगा और दुगनी ताकत से हम सब मिलके समाज के हितों के अंदर समाज के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। अब खबरें देश विदेश से। आधुनिक इतिहास के मुंबई शहर ने कभी चक्रवात नहीं झेला है, लेकिन 2020 में मुंबई पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ तो कोरोना वायरस ने मुंबई में त्राहिमाम मचा रखी है, वहीं इस माया नगरी पर अब निसर्ग चक्रवात तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि ये तूफान विकराल रूप ले सकता है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के 125 साल पूरे होने पर बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन इवेंट आम होते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत में हालात बेहतर हैं। पीएम ने यह भी कहा कि लॉकडाउन को पीछे छोड़कर भारत अनलॉक 1.0 में प्रवेश कर चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने में हमने पीपीई किट का करोड़ों में उत्पादन किया है, एवं आज हमें मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट पर काम करने की जरूरत है। बॉलीवुड के फेमस म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान के निधन से पूरा बॉलीवुड सदमे में है। किडनी में संक्रमण और कोरोना पॉजिटिव के शिकार वाजिद खान के निधन की खबर के बाद अब खबर आ रही है कि उनकी मां रजीना खान भी कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाजिद खान के अस्पताल में भर्ती होने के समय उनकी मां उनके साथ मौजूद थी, लेकिन अभी तक उनके बेटे वाजिद के निधन की खबर उनको नहीं दी गई। इसी तरह देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि सबसे तेज नहीं सिर्फ सच मिलेगा आपको, ओनली ऑन वायरल सच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।